जयपुर में कोरोना मरीजों को समय पर इलाज मुहैया कराने और कोरोना इलाज के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में कोविड डेडिकेटेड कंट्रोल रूम शुरू हो चुका है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से आम जनता को ऑक्सीजन, दवा, बेड की उपलब्धता की जानकारी आसानी से मिल सकेगी और शिकायतों का भी समाधान होगा। यह कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक काम करेगा। कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन की उपलब्धता, बेड, मेडिसिन से संबंधित जानकारी यहां से ले सकता है। कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों के तुरंत समाधान का प्रयास किया जाएगा। कंट्रोल रूम के अधिकारियों के पास अस्पतालों में मौजूद बेड की लाइव स्थिति मौजूद रहेगी, जिससे अगर किसी मरीज को बेड की आवश्यकता हो तो उसे तुरंत बेड मिल सके। यहाँ पर एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम स्थापित कर लिया है। उसके अंदर 8-8 घंटे की 3 पारियों के अंदर 6-6 कर्मचारी और अधिकारी वहाँ पर लगाए गए हैं। उसमें डॉक्टर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं वहाँ पर, और उसमें हमने 2 नंबर जो हैं वो जो आज मीडिया में भी कल हमने जारी कर दिए थे, आपने देखा होगा कि इनके नंबर मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर है 220-5175 और दूसरा नंबर है 220-5176। ये दोनों कंट्रोल रूम के नंबर हैं। इनके ऊपर कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कोविड से रिलेटेड कोई समस्या हो, चाहे उसके कोई बेड की अवेलेबिलिटी की हो, मेडिसिन की हो, तो वो यहाँ पर कॉल कर सकता है। हमारे यहाँ पर अधिकारी है 24/7 यहाँ पर लगे हुए हैं और वो उसकी समस्या जो भी है उसका तुरंत हम निदान करने की कोशिश करते हैं। चलिए, समय यहाँ पर एक ब्रेक का है, कुछ और खबरों के साथ फौरन हासिल होते हैं।